नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 का आठवां मॉडल पेपर, जो कि पिछले पेपर्स पर आधारित है और साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि पर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन कांड जो है ये 1925 में हुआ था, इसके जो नायक थे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस शुक्र ग्रह को? तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है ये इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका नाम जो सर्वप्रथम दिया था ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मैक्सिको देश है। कौन सा है? मैक्सिको। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको देश की जो कैपिटल है इसका नाम मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा मैक्सिकन पैसो है। क्या है? मैक्सिकन पैसो। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वेरी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है ये इंग्लैंड देश में हुई थी। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट ही है। भारत का हॉकी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये कांचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसमें जो सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश है ये अमेरिका है। कुल कितने मेडल जीते हैं इस देश ने? 113 मेडल जीते हैं, जिनमें से 39 जो है ये गोल्ड मेडल है। सेकंड नंबर पे आता है चीन देश, थर्ड नंबर पे आता है जापान और भारत जो है ये 48th रैंक पे है। इससे भी आप याद रखिएगा, भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसकी जो संयुक्त धारा है ये मेघना नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है ये टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी, भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप से जाना जाता है? तो भारत का जो धान्य भंडार है ये पंजाब राज्य को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है ये?
जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल स्टेट में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आगरा और दिल्ली शहर दोनों भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो कुल संख्या है ये 18 है, और वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसका नाम खंजर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथ में हाथ जो है ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच में है, और मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस पदार्थ में नहीं होता है इनमें से? मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। और इस योजना में प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? कृषि क्षेत्र को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है कौन है? एलन पॉल, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों भी है, तो उपर्युक्त दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला सवाल है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का जो पूर्ण रूप है ये रैंडम एक्सिस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सिस मेमोरी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सवाल नंबर 23 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड डलहौजी, कौन था? लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत 1854 में हुई थी। अगला सवाल है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका देश में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये तारकनाथ दास जी ने किया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए।